इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे जेनरिक इलेक्टिव पेपर जो कि बीसीए सेमेस्टर फर्स्ट में आप लोग का पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ विद्यार्थियों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि हम बीसीए कर रहे हैं तो ये फिजिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है। पहले उस क्वेश्चन का आप जवाब समझ लीजिए, तब जाकर यह पेपर आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये हमारे कोई भी इन्वेंशन का बैकबोन है। आप देखे होंगे यूनिवर्स में जितने भी रिसर्च हुए हैं, बहुत से रिसर्च आपके फिजिक्स का ही देन है। और फिजिक्स में ऐसे ऐसे इन्वेंशन हुए जो मनुष्य का जीवन स्तर बदल दिया है। अब एक फैन का ही एग्जांपल ले लीजिए, या आपके आसपास जितने भी इक्विपमेंट्स जो ह्यूमन को हेल्प करते हैं, वह सभी मशीन जो है इन्वेंशन का ही परिणाम है। फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये सब हमारा इन्वेंशन का वह सोर्सेस है, या कह सकते हैं कि जो भी इसको डीप में पढ़े उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया। आप कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं और आज दुनिया में जितना भी काम हो रहा है वह सारे कंप्यूटर से ही हो रहा है। तो अगर आप कुछ भी भविष्य में रिसर्च कीजिएगा, कोई भी डिवाइस बनाइएगा, ये कोई भी डिवाइस को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, चाहे वह मेजरमेंट का डिवाइस हो, टेम्परेचर मेजरमेंट का हो, या फिर सैटेलाइट हो, हर डिवाइस में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। और जैसे ग्रेविटेशन जो यहाँ पर है, आप लोग का लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, मान लेते हैं कि आपका दिमाग परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन आपको 100 साइकिल पर सेकंड से घुमा दिया जाए तो आप देखिएगा कि आपका दिमाग जैसा काम कर रहा था उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो याद रखिए कि जहां पर भी हमारा कंप्यूटर यूज होगा, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, उसका अपना एक फील्ड होता है। और अगर आप फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं जानते हैं, अब ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो अभी हमारा यहाँ पर बेड कुछ है, उसी मशीन को अगर हम लेके चले जाएं स्पेस में तो कंप्यूटराइज मशीन देखिएगा कुछ बेड और देगा, और धरती के नीचे चले जाएं तो ही बेड कुछ और देगा। तो अगर जो कंप्यूटर बना रहे हैं, अगर एक सारी बातों को उनका नॉलेज होगा कि जो लोकेशन चेंज होने से इसका फर्क पड़ता है, उसी तरह से आपका जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें आप लोग का टेम्परेचर पे कंपोनेंट्स का वैल्यू डिपेंड करता है। आपको पता है रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, एज पर द टेम्परेचर वो अपना वैल्यू चेंज करता है। आप लोग जितने भी डिजिटल कंपोनेंट देख लीजिए जो फॉरेन कंट्री में बनाए गए हैं, वहां का टेम्परेचर अलग है, और उसी डिवाइस को अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो वैल्यू कुछ पॉइंट्स आगे या पीछे हो जाता है। आप एक नॉर्मल थर्मामीटर को लीजिए और एक डिजिटल थर्मामीटर को लीजिए, देखिए कुछ पॉइंट स्केल आपको आगे पीछे हो जाता है उसमें। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जहां पर उसका बनाया गया वहां का टेम्परेचर कुछ था, तो वहां पर जो सारे वैल्यू दे रहे थे कुछ दे रहे थे, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसका वैल्यू कुछ हो गया। तो आप कल के डेट में प्रोग्रामर बनेंगे, तो प्रोग्रामर बनेंगे तो आप सबको ये सब बात ध्यान रखना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऑक्सीलेशन होता है,
इलास्टिसिटी के कारण क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, रिलेटिव मोशन से क्या हो सकता है, कोई भी अगर हमारे डिवाइस में कंप्यूटराइज फीडिंग है, कंप्यूटराइज वो वर्क कर रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में जितना पेपर आप पढ़ रहे हैं अगर वह 100-100 मार्क्स का है तो ये भी पेपर आप लोग का टोटल कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 100 मार्क्स का, इससे भी आप लोग का 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। जैसे जो बीसीए के विद्यार्थी हैं वो पर डे 2 पेपर कॉलेज में पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, वो 100 मार्क्स का है, लेकिन एलेक्टिव पे क्या उसके रिस्पेक्ट में आप ध्यान देते हैं, ये भी आपका 100 मार्क्स का है। यानी आपको ऐसा स्टडी करना है कि आपका जो कोर पेपर है वो भी 100 मार्क्स का है और ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी 100 मार्क्स का है। तो अगर आप उस पे 2 आवर एवरी डे टाइम दे रहे हैं तो आपको ये दोनों पेपर पे भी 2 घंटा पर डे टाइम देना होगा, तभी जाकर आप बैलेंस कर सकेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये सेमेस्टर फर्स्ट वाले का हम सिलेबस यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि टोटल मार्क्स आप लोग का क्या होता है 100 का है, जिसमें 75 थ्योरी के लिए है और 25 जो है प्रैक्टिकल पे आपको मार्क्स मिलेगा। और इस जो जनरल इलेक्टिव है उसमें आप लोग को मैकेनिक्स पढ़ना है, तो मैकेनिक्स में पहला जो यूनिट है वो वेक्टर है, यानी वेक्टर के बारे में पढ़ना है, इसके इन साइड आप लोग का कंटेंट दिया हुआ है। दूसरा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको सेकेंड यूनिट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है। तीसरा पॉइंट है लॉज ऑफ मोशन, यानी तीसरा यूनिट हो गया, और जो चौथा यूनिट है वह है मोमेंटम एंड एनर्जी के बारे में डिटेल्स में स्टडी करना है। उसके बाद आ जाता है रोटेशनल मोशन, यानी यहाँ पर 5 यूनिट इधर हो गया और इधर देखिए आप लोग का ग्रेविटेशन, ऑक्सीलेशन, इलास्टिसिटी, स्पीड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी टोटल 9 यूनिट इसमें पढ़ना है, और 9 यूनिट जब पढ़िएगा तब आप 100 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हो जाइएगा, जिसमें 75 आपका थ्योरी होगा और 25 प्रैक्टिकल होगा। तो इसके बाद हम लोग इसी इलेक्टिव पेपर यानी जेनरिक इलेक्टिव को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और आप अगर कंटिन्यूअस हमारे लेक्चर से बने हुए रहते हैं और जितना हम बताते हैं उतना अगर आप टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी पहला यूनिट वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ये 9 यूनिट पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इसके लिए भी फेयर कॉपी परचेज कर लीजिए और पर डे का लेक्चर को अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। उम्मीद है कि एग्जामिनेशन के पहले तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ये आप लोग का पहला यूनिट वेक्टर पे, वेक्टर में बताएंगे वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, यानी जो आपके यूनिट में दिया हुआ है एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपके सामने रखेंगे। तो आज हम लोग बस इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर में हमको एक ही चीज कंसेप्ट क्लियर करना था कि फिजिक्स आपके सिलेबस में क्यों दिया गया है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल आप एक अच्छे डेवलपर बनेंगे, आप ऐसे ऐसे मशीन को डेवलप करेंगे जो डिफरेंट प्लेसेस पे यूज होगा, तो वो एक्यूरेट वैल्यू हर प्लेसेस पे दे, उसके लिए आपको फिजिकल यानी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो डिवाइस है वो परफेक्ट वर्क करेगा और कहीं पे फेल नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट वेक्टर से, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।